हेलो देयर, वेलकम टू नेचुरल राइड। शिमानो का हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो मैंने परचेस किया है कुछ दिन पहले। और इससे पहले जो वीडियो था मेरा शिमानो का, जो MT500 का जो व्हील सेट आता है वो मैंने परचेस किया था, उसका वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं चैनल में, पिछले वीडियो मेरा वही है। और मेरे कुछ सब्सक्राइबर ने बताया था कि भाई आप तो सब कुछ अपग्रेड कर लिए एक बाइसाइकिल में, लेकिन आपका जो मेन जो पार्ट्स होते हैं ब्रेकिंग बाइसाइकिल का, वो तो आपने मैकेनिकली रखा, उसको हाइड्रोलिक कब कन्वर्ट करोगे। तो मैंने सोचा कि चलिए इसको भी कन्वर्ट कर लेते। और यहाँ पे देख सकते, देखिए इसका जो मॉडल नंबर आपको साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए BLMT 200, यहाँ पर देखिए टिक मार्क दिया हुआ है। और ये दो बॉक्स आपको मिलता है, मतलब फ्रंट और रियर दोनों जो ब्रेक होता है लीवर के साथ कैलिपर फिटिंग होता है, तो वो अलग अलग बॉक्स में आपको मिल जाते हैं। ठीक है, आप चाहे तो आप किसी भी एक को भी परचेस कर सकते हैं सेपरेटली, मतलब आपको फ्रंट ब्रेक चाहिए तो फ्रंट को आप परचेस कर सकते हैं, रियर चाहिए तो रियर को परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दूसरे साइड में आप नोटिस करेंगे, देखिए यहाँ पर प्राइस लिखा हुआ है, देखिए। और यहाँ पे देखिए जो QR कोड होता है, सॉरी बार कोड जो होता है, इसको आप स्कैन करके इसका ओरिजिनलिटी आप चेक कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट डुप्लीकेट या ओरिजिनल है। और मैं यहाँ पे और एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो ब्रेक आपको मिलेगा, दोनों ब्रेक आपको ये यूरो मॉडल में मिलेगा, मतलब हैंडल बार के जो राइट साइड में जो लीवर होगा वो आपका रियर ब्रेक का काम करेगा, और जो फ्रंट में जो ब्रेक है वो आपका जो लेफ्ट साइड में जो लीवर होगा वो फ्रंट ब्रेक के लिए काम करेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा उल्टा होता है, हमारा इंडिया में क्या होता है कि राइट साइड में आपका फ्रंट ब्रेक होता है और लेफ्ट साइड में रियर ब्रेक होता है, लेकिन इसके लिए उल्टा है। ठीक है, तो चलिए बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। और बॉक्स जो है मैंने पहले ही ओपन करके रखा था, मतलब सील जो है इसको फाड़ के रखा था। तो यहाँ पे देख सकते हैं, खुलते आपको सामने ऐसे आपको देखने को मिल जाते हैं, पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है। और जो ब्रेक है, ब्रेक आपको प्री ब्लेडेड मिलेगा, मतलब जब आप कंपनी से परचेस करेंगे तो कैलिपर और लीवर और केबल एक साथ अटैच होकर उसके अंदर जो मिनरल ऑयल ऑयल वगैरह होता है वो भी आपको एकदम एक साथ एकदम प्री ब्लीड करके मिलेगा, मतलब आपको कुछ भी नहीं करना है परचेस करने के बाद, आप सिर्फ बाइसाइकिल में फिटिंग कर दीजिए, हो जाएगा आपका काम। और यहाँ पे मैं और एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आप हाइड्रोलिक ब्रेक परचेस करने के लिए सोच रहे हैं तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप प्लीज़ शिमानो का ब्रेक ही परचेस कीजिए, क्योंकि जो लोग शिमानो यूज करते हैं वो लोगों को तो पता है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि शिमानो का ब्रेक जो है, ब्रेकिंग पावर जो है, अदर्स ब्रांड से काफ़ी गुना बेहतर है, काफ़ी गुना, मतलब आपको चीप क्वालिटी जो, मतलब एंट्री लेवल में इसी रेंज में इतना कम प्राइस में आपको इतना अच्छा ब्रेकिंग क्वालिटी आपको किसी भी ब्रांड में नहीं मिलेगा। तो अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो आप शिमानो का ही परचेस कीजिए, वो अगर चीप क्वालिटी मतलब एंट्री लेवल है, या आप एडवांस लेवल का लेना चाहते हैं तो आप शिमानो का ही लीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कैलिपर में आपको शिमानो का ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है, आपको यहाँ पे अंदर पैड देखने को मिल जाते हैं, दोनों पैड है दोनों साइड में, दोनों पिस्टन है इसका, मतलब ड्यूअल पिस्टन ये कैलिपर है, दोनों साइड से ब्रेकिंग पावर इसका लगती है, तो काफ़ी अच्छा ब्रेकिंग होती है। और ये जो हाइड्रोलिक का जो मतलब केबल होता है, जो होस होता है, उसका बात करें तो देखिए शिमानो का यहाँ पर ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है, शिमानो SM BH 59 इसका मॉडल नंबर है, बाकी देखिए JK वगैरह लिखा हुआ है। तो अगर आप फ्यूचर में कभी भी केबल को रिप्लेस करना चाहते हैं, अगर आपका केबल ख़राब हो चुका है तो रिप्लेस करना चाहते हैं, तो इसी मॉडल नंबर को देख के आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, दूसरा परचेस कर सकते हैं। सो कैलिपर की बात करें तो कैलिपर में आपको देखिए ड्यूअल पिस्टन कैलिपर मिलता है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। और यहाँ पे देखिए अंदर एक क्लैंप टाइप का आपको दिया जाता है रेड कलर का, ताकि आपको गलती से जो लीवर है वो अगर प्रेस हो जाए तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर इस पोजीशन में आप गलती से आप कैलिपर को प्रेस कर देते इस क्लैंप को खुला रख के, तो क्या हुआ कि आपका जो पैड है और जो पिस्टन है वो मिस अलाइनमेंट हो जाएगा, तो आपको फिर से ठीक करना पड़ेगा, वो थोड़ा दिक्कत की बात है। तो जब डिस्क ब्रेक जो कैलिपर है वो रोटर में जब इंस्टॉल हो जाएगा, माउंट हो जाएगा, उसके बाद आप कितना चाहे आप प्रेस करिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। और मैंने जो पिस्टन की बात करी थी कि ड्यूअल पिस्टन है इसमें, तो ड्यूअल पिस्टन के मतलब ये जो कैलिपर आप देख पा रहे हैं इसके इस साइड में एक पिस्टन है और ये दूसरे साइड में यहाँ पे एक पिस्टन है। ठीक है, तो दोनों साइड पिस्टन होने की वजह से क्या होता है कि जब आप ब्रेकिंग करते हैं, ब्रेक के लीवर को जब प्रेस करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि दोनों साइड के जो पैड है, दोनों साइड का पैड मूव होता है। ठीक है, मूव होकर ब्रेक का जो रोटर है उसको प्रेस करते हैं, इससे क्या होता है कि आपका ब्रेकिंग पावर जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और जो आपका जो ब्रेक रोटर है, रोटर भी स्ट्रेट रहता है, वो बेंड नहीं होता है, दोनों साइड से प्रेस होता है। और मैकेनिकल में क्या होता है कि सिंगल पिस्टन होता है, तो उसमें क्या होता है कि एक साइड में सिर्फ ब्रेक पैड मूव होता है, दूसरे साइड में फिक्स होता है, और रोटर को एक ही दिशा में बेंड करता रहता है, मतलब प्रेस करता रहता है, उसके वजह से क्या होता है रोटर बेंड हो जाता है। और इसमें क्या होता है रोटर बेंड होने का चांसेस नहीं है, और ब्रेकिंग पावर भी काफ़ी अच्छी होती है, दोनों साइड में ये पैड जो है दोनों साइड से मूव होता है। और बाकी बात करें तो ये कैलिपर काफ़ी छोटा है, मतलब इतना बड़ा भी नहीं है, और देखने में काफ़ी स्लीक डिज़ाइन है। और जो लीवर की बात करें तो देखिए लीवर का जो लीवर है ये 2 फिंगर या 3 फिंगर से काम करते हैं, मतलब अगर आप 2 फिंगर पे भी आप ब्रेकिंग करेंगे तो आपका अच्छा ब्रेकिंग होगा। और लीवर के यहाँ पे देखिए एक एलन की बोल्ट है, इस बोल्ट की वजह से क्या होता है, इस बोल्ट को खोल के आप यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आप ऑयल को चेंज करना चाहते हैं, इसके अंदर जो हाइड्रोलिक ऑयल होता है, तो इसी के अंदर से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और लीवर के पीछे की साइड में देखेंगे, यहाँ पे देखिए मलेशिया बोल के लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ जो ये जो प्रोडक्ट है ये मलेशिया में मैन्युफैक्चर किया गया है इसका।
और लीवर की बैक साइड में आप नोटिस करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए BLMT 200, और उसके ऊपर लिखा हुआ है सिमानो मिनरल ऑयल। क्योंकि इसका मतलब यही है कि अगर आप इसमें, इसके अंदर जो ऑयल है, हाइड्रोलिक ऑयल है, वो सिमानो मिनरल ऑयल ही है। सो इन फ्यूचर अगर आप इसमें ऑयल को चेंज करना पड़े, मतलब जब आप ऑयल इसमें ख़राब हो जाएगा तो आपको चेंज करके रिफ़िल करना पड़ेगा न्यू ऑयल, तो उसमें आपको सिमानो का ही ऑयल यूज करना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर उस दूसरे कोई ब्रांड का अदर कुछ ऑयल यूज करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, आपको हो सकता है कि ब्रेकिंग आपको अच्छे से काम नहीं होगा। और इसमें एक पैकेट भी मिल जाते हैं, पैकेट में आपको देखिए यहाँ पे एक माउंटिंग बोल्ट मिल जाता है, दो कैलिपर को माउंट करने के लिए। और जो दो चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, ये है एक ऑलिव मिल जाता है, ये जो राउंड सा देख सकते, ये इसको ऑलिव बोलते हैं, और ये जो लंबा टाइप का आपको दिखाई दे रहा है इसको बार्ब बोलते हैं, ठीक है। इसका काम यही है कि इसका एक्स्ट्रा आपको दिया जाता है, क्योंकि ब्रेक जो केबल है आपके साइकिल के हिसाब से, ब्रेक केबल अगर बड़ा हो जाएगा तो आपको ब्रेक केबल तो काट करके छोटा करना पड़ेगा, तो छोटा करने के बाद आपको कट करते समय आपको ये जो दो पार्ट्स देख पा रहे हैं, एक ऑलिव और एक बार्ब, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसे, इसके बिना आप काम नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसलिए आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। और बाकी रह गया है दूसरा साइड का ब्रेक, जो कि है लेफ्ट साइड का लीवर, जो कि फ्रंट ब्रेक है। इसका केबल देख सकते हैं काफ़ी छोटा है, ये लेफ्ट साइड के लिए यूज होता है। तो ये दोनों मतलब लीवर जो है, आप अगर चाहते हैं कि केबल को चेंज करेंगे, स्वाप करेंगे, तो आप कर सकते हैं, मतलब दोनों, मतलब लेफ्ट का आप रियर में कर सकते हैं और राइट का फ्रंट में कर सकते हैं। सो वो जो टॉपिक है इस वीडियो में आपको दिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन आप लोगों के सुविधा के लिए मैं दूसरे दिन उस वीडियो डाल दूँगा उसके टॉपिक में। तो बाकी बात करें, देखिए फ्रंट और रियर लीवर की बात करें, मतलब लीवर आपको सेम टाइप का मिलेगा और कैलिपर तो सेम ही मिलेगा, सिर्फ केबल का फ़र्क है, बाकी सब कुछ सेम है, ड्यूल पिस्टन है। और बॉक्स के अंदर आपको मैनुअल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि मैनुअल्स में आपको वार्निंग और सेफ्टी वगैरह जो इंस्ट्रक्शन होते हैं सेफ्टी के लिए, वो सब लिखा हुआ था। तो चलिए इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको साइड में रख देते हैं और फटाफट से ब्रेक जो है उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। मैंने पहले से मेरा मैकेनिकल ब्रेक कैलिपर और लीवर को खोल के रखा था, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। और बाकी देखिए ब्रेकिंग मतलब इंस्टॉल करना, ब्रेक इंस्टॉल करना कभी बड़ी बात नहीं है, कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए ऐसे लीवर को आपको लगाना है, और लीवर के मतलब अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग आप किस डायरेक्शन में आप रखना चाहते हैं, लीवर को ज़्यादा नीचे रखना चाहते हैं, ज़्यादा ऊपर रखना चाहते हैं, आप किसी भी डायरेक्शन में रख सकते हैं, ठीक है। उसको रख के आप इसको टाइट कर लीजिए और हैंडल बार का जो ग्रिप है उसको लगा लीजिए। और लास्ट में जो बाकी है कैलिपर माउंटिंग करना, जो कि एकदम ईजी है, कैलिपर माउंट सब लोग कर सकते हैं इजीली। फिर भी मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जब आप कैलिपर को माउंट करेंगे, उसके जो माउंटिंग बोल्ट है, तो बोल्ट में जो थ्रेड होता है उसमें थोड़ा सा आप ग्रीस अप्लाई कर लीजिए, ये मैंडेटरी है, ताकि फ्यूचर में आप जब इसको रिमूव करेंगे, बोल्ट को रिमूव करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, मतलब आप इजीली रिमूव कर सकते हैं, बोल्ट में कोई करोशन वगैरह कुछ भी ना आएगा, ठीक है। तो बाकी आप देखते रहिए कैसे हम लगाते हैं इसको। और एक बात मैं बताना भूल चुका हूँ कि जब आप ब्रेक कैलिपर को इंस्टॉल करेंगे, माउंट करेंगे, तो कैलिपर को अलाइनमेंट करना ना भूलिए। और कैलिपर अलाइनमेंट सभी लोग लगभग जानते हैं, फिर भी मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। देखिए जब आप ब्रेक कैलिपर को टाइट करेंगे, थोड़ा सा आपको लूज़ रखना है, ठीक है। लूज़ रखने के बाद आप व्हील को जो है आप हाथ से घुमा दीजिए, एक बार घुमाने के बाद आप लीवर को प्रेस करना है, उसी वक्त आपको लीवर को प्रेस करके रखना है, छोड़ना नहीं है, लीवर को प्रेस करके रखना है। और लास्ट में आपका जो कैलिपर का जो माउंटिंग बोल्ट है उसको आप फुल टाइट कर लीजिए, हेक्स की या एलन की बोल सकते हैं, उसकी मदद से फुल टाइट करने के बाद आप लीवर को छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप चेक करिए, देखिए आपका जो ब्रेक या कैलिपर अलाइनमेंट है वो प्रॉपरली हो जाएगा। और इसी तरह हम दूसरे साइड का जो ब्रेक है, मतलब जो रियर ब्रेक है, ब्रेक कैलिपर है, उसको भी सेम तरीके से हम इंस्टॉल कर लेते हैं।
सो फाइनली आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं Shimano MT200 हाइड्रोलिक ब्रेक टोटल इंस्टॉल कंप्लीट हो चुका है। बाइसाइकिल के रियर व्हील में जो रोटर आप लोग देख पा रहे हैं, ये रोटर मैंने जब मैंने Shimano का जो MT500 व्हील इंस्टॉल किया था उसी समय मैंने इस रोटर को इंस्टॉल किया था। सेंटर लॉक रोटर है ये, इसका जो डायमीटर है 160 mm है। Shimano RT54 इस रोटर का मॉडल नंबर है। और फ्रंट का जो रोटर है वो मेरा पुराना रोटर ही मैंने रखा है अभी तक, मैंने इसको चेंज नहीं किया है क्योंकि जो व्हील सेट है वो 6 बोल्ट वाला हब सिस्टम है, तो उसमें अभी वही रोटर पड़ा हुआ है। एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने पहले ही आपको आप लोगों को बोला था कि ये जो ब्रेक केबल है बहुत ही लॉन्ग है, मेरे बाइसाइकिल के सबसे बहुत ही बड़ा है। और मैंने क्या किया कि इस जो ब्रेक केबल है इसको थोड़ा सा फोल्ड किया, और फोल्ड करने के बाद केबल टाई जो होते हैं, केबल टाई आपको मार्केट में मिल जाएगा, उसके मदद से मैंने इसको फोल्ड करके ऐसे फिट करके रख दिया है ताकि इधर उधर ना जाए। और बाद में जब हम इसके जो प्रॉपर टूल किट है कटिंग करने का और ऑयल फिलिंग करने का जो प्रॉपर टूल है, तो वो सब टूल किट परचेस करने के बाद हम इस केबल को काट करके हम इसको साइज को छोटा करेंगे और छोटा करके फिट करेंगे, और उसका जो वीडियो होगा आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। और एक चीज़ आप लोगों को दिखाना चाहूँगा जो कि इस टॉपिक में नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ, पिछले वीडियो में जो मैंने Shimano का MT500 व्हील सेट का रिव्यू किया था, तो आप लोग देख सकते हैं जो व्हील सेट है उसको मतलब टायर वगैरह फिटिंग करके कैसेट वगैरह लगा के उसका लुक कैसे लग रहा है आप लोग देख सकते हैं।